फरीदाबाद के मशहूर SRS ग्रुप के चेयरमैन और करोड़ों रुपए का गबन करने वाले अनिल जिंदल फिलहाल नीम का जेल में बंद है, लेकिन वो बीच बीच में अस्पताल में उपचार के बहाने अपनी थकान दूर करने के लिए मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जहां पर उनको शराब के साथ साथ और भी सुविधाएं दी जाती है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 28 और 29 अगस्त का है, जब अनिल जिंदल इलाज के बहाने शहर के नामी हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उनकी सेवा तस्वीरों में दिखाई दे रही है। शराब की कैन पेश की गई। हालांकि मेट्रो हॉस्पिटल नाइट सिक्योरिटी में तैनात युवक ने बताया तो वो यहाँ के बड़े डॉक्टर की अप्रोच के साथ साथ बड़े राजनेताओं का नाम लेने लगे और अक्सर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी मिलने की बात बताने लगे, जिसकी शिकायत संदीप नाम के इस सिक्योरिटी वाले ने अपने संबंधित अधिकारियों को की, लेकिन सिक्योरिटी वाले युवक के अनुसार उसको चुप करा दिया गया और मामला रफा दफा करने के लिए कहा गया। सर, ये 28 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में दिन में। हाँ जी, 28 अगस्त को दिन में, और मुझे नहीं पता था कि ये अनिल जिंदल जी हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल पेशेंट हैं हमारे। तो ये 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे, तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलो। मैं और मेरे साथी थे अमन जी, हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं, और पहले तो किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ही क्यों है। पहले तो हमने ड्रिंक भी किया और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें। अच्छा। उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है। अच्छा। और पहले तो, हाँ जी सर, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले तो किसी ने मना नहीं किया, अब आप मना क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर पहले अलग बात है, अब अलग बात है, अब हमारी ड्यूटी है, हमें ऑर्डर है कि बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो हमें परमिशन दिया नाइट मैनेजर ने कि भाई उनसे मना करो, तो हमने उनसे मना किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को आपकी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हम उनके वो हैं और हमें पूरी वो है। कौन है नीरज जैन, क्या डॉक्टर नीरज जैन यहाँ पे MD हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सर, हमने फिर भी उनसे कहा कि सर हमारी ड्यूटी है, हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। हमने उन्हें मना किया, चलो ठीक है, तो हम मना उन्होंने रख दी। हम बाहर आ गए रूम के, प्राइवेट रूम है वहाँ अलाउड नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला नर्सिंग स्टाफ गए अंदर मेडिसिन के लिए, तो वो देखे तो वहाँ फिर ड्रिंक कर रहे हैं वो। तो नर्सिंग स्टाफ ने फिर हमसे कहा कि भाई वो तो फिर ड्रिंक कर रहे हैं। हमने जाके फिर उनसे कहा, मैंने सर बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमने अपने नाइट मैनेजर थे हॉस्पिटल के उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि पेशेंट के अलावा रूम में कोई नहीं रहेगा, सबको निकाल दो हॉस्पिटल के बाहर। कुछ पुलिस वाले थे वर्दी में, हमने उन्हें निकालने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को बोल के और दानिश महाजन है CSO SSO उनसे बोल के हम आपकी ड्यूटी से निकलवा देंगे हम आपको। सर हमने कहा कि सर आप चाहे किसी से बोल लो, हम अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।